स्कूल सुनाई दे रहा हूँ, स्कूल को। चैप्टर है इंडियन ड्रोन्स। क्या है चैप्टर? इंडियन ड्रोन्स। ड्रोन मतलब क्या होता है? कासा, तांबा, जो तू देखे दुकान पे। कबाड़ियों पे एक मोटर दी जाए, अबे तांबे की मोटर है, पहन ले, सिल्वर के रेट में ले ले। ये कबाड़ियों पे यही देखते हैं, है ना? पंखा, पंखा देख कौन सी वाली का, कॉपर वाली का, ले 200 बजे कोई दिक्कत ना। तांबे को उसका ना हो, सिल्वर का भी बेकार हो जाएगा। एक दुकान पे हमारी आया अंगूठी बनवाने, अंगूठी में कह रहा मैंने वाली अंगूठी बना दो, तो अंगूठी में मैंने फिट करवाई। कह रहा बताए क्या करते हैं, सही करके जाते हैं ना कंपनी में, ऐसे लगा ला के देख लें। उसने स्पेशल अंगूठी बनवाई है अपनी, चेक कर ले हमारे जाके, और ऊपर वो लगवाई है चांदी का वक्र, जिससे कि मतलब पता चल जाए हल्का सा। मैंने तुम साथी में कुछ करोगे तो बिजनेस करने के लिए दिमाग की जरूरत होनी चाहिए, पढ़ाई की नहीं। पढ़ाई तो आपको सही कर देगी। अब ये दिए तुम्हारी बन गए, यदि बन जाते हैं ना, और कबाड़ी यदि ऊंचे लेवल का बनना है तो बोली तो आनी चाहिए। इंसान का साफ कपड़ा यदि है और साथ में उसकी बोली है तो वो उस इंसान को कोई नहीं हरा सकता। तो यदि इंसान के पास कपड़ा तो साफ है लेकिन बोली वही है, मैं क्या कह रहा हूँ बापू की दौर है बात कर रहे हो, वही बोली खराब होगी। शक्ल भी बाद में दे भगवान, पहले बोली बहुत अच्छी दे जिससे हम सामने वाले को इफेक्ट डाल सकें। लेकिन बोली भी दो तरीके की ना दे। क्या हो गया तो? हुआ तो कुछ नहीं। स्वीट बॉय। इंडियन ब्रॉन्ज क्या बता दिए? इंडियन ब्रॉन्ज। तो इंडियन ब्रॉन्ज के बारे में बात की जाएगी, और इसमें एक ही सबसे इम्पोर्टेंट है, द कॉस्मिक डांस ऑफ लॉर्ड शिवा। इस पेंटिंग में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन आप सभी ने इसे जो आप देख सकते हैं नटराज। अब नटराज के नाम से जो ऑडियो पढ़ रहे हैं उन्हें भी पता होगा नटराज क्या थे। याद रख लो नटराज, नटराज क्या भैया? नट, नट मतलब क्या होते हैं? नट, नट्स खाते हैं ना, छोले यानी छोले। याद कर लो, नट छोले नट एक साथ खाते हैं। क्या खाते हैं? छोले और नट एक साथ खाते हैं। तो नटराज, नटराज की किससे बनी हुई है? ब्रॉन्ज में बनी हुई है। इफ यू वॉन्ट टू सी देन गो टू द नेशनल म्यूजियम। देखो लिखा हुआ है, समझा? थोड़ा सा पढ़ लो। Among the numerous gods represented in the bronze image, बहुत सारी ब्रॉन्ज इमेज भगवान ने दिखाई दिए। तो जो मानते होंगे कि भैया यदि कहें हमारे भगवान भगवान, तो ये भगवान हमारे भी आज के ना है कि 5,000-10,000 साल से हमें इतिहास पढ़ाया जा रहा है भगवान शिव का, इस वजह से हमारे दिमाग में रटे हुए हैं। हकीकत है ये भगवान हमने आज नहीं बनाए हैं कि आज बना के हम बात कर रहे हो कि भगवान शिव आज के हैं या कल के हैं, इसी वजह उनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो कैसे थे। देखो बहस करने से और आर्ग्यू करने से किसी कोई आंसर नहीं मिलता। यदि कोई ये कह दे भगवान कितने दूध क्यों चढ़ाते हैं, भगवान के बेलपत्ते क्यों चढ़ाते हैं, तो नहीं पता किसी को। पर ये नहीं बताते हैं बेलपत्ते क्या मतलब, भगवान के भांग खाते हैं। यहाँ पे गाने बजे, भोला भांग तुम्हारी मैं तो घोटल घोटल खा रही। गाने बजे खाने का नील कल में चढ़ गया, पी गया एक बाल्टी भांग, मैं बोला लू मटके लू मटके। जिस गाने को सुनते हंसी आती हो वो गाना भगवान के लिए समर्पित नहीं हो सकता। तो भगवान के लिए समर्पित होता है वो गीत जिससे हमारी आंखों में आंसू आ जाए। जब आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान की भक्ति में तो आप हंस रहे हो, आप अपने भगवान का मजाक बना के हंस रहे हो। मैसेज आया, मुझे बड़ा बुरा लगा वो मैसेज, लोग एक दूसरे को भेज रहे मैसेज भेजा, दुनिया के सबसे बड़े डॉन हैप्पी बर्थडे, डॉन के हैप्पी बर्थडे नीचे पड़ा, जो क्या करता है, जो डैश को छेड़ता है, जो ये करता है, जिससे मम्मी पापा हुए एक्सचेंज, सारी बातें लिखी। तो वो भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, हम उस भगवान के बारे में हंसी तो रहे हैं फिर हम। तो भगवान तो वो नहीं है जो ऐसे हंसी करके हंसा जाए। हम भगवान के नाम पर भी हंसेंगे, भगवान के नाम पर भी हंसेंगे, तो ये जो है गलत, ये बातें जो है हमारी इमेज को शो नहीं करती। यानी मैसेज भेजने से पहले भगवान कृष्ण के ऊपर था, जिनका जन्म जेल में हुआ, पहला डॉन जो जेल में पैदा हो रहा। अरे बहुत अच्छी बात बोली, किसने क्या कहा इस बात में मारेंगे थोड़ी, तो मैसेज था हर एक दूसरे को भेज रहा था। कहते हैं ना मूर्ख होकर बोलना नहीं चाहिए, इस समय तुम भी मूर्ख हो, तुम भी मूर्ख हो, और तुम तो कोई तीन मूर्ख के आगे मैं बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, इन बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए, मूर्ख के आगे ज्ञान दिखाना गलत होता है। Among the there are lots of bronze images are found, and in the bronze image we found कौन सी image?
Nataraj. We found the Nataraj. It is the finest example of the branch. This is very admirable. It is very charming. सब चीजें लिखनी है करो क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ एक के लिए नहीं बोल रहा ना सबके कॉपी पेस्ट करवा रहा हूँ और वहाँ सारे एक सब क्वेश्चन तो नहीं आएंगे वहाँ थोड़े मोड़े आएंगे तो दो वर्ड उसमें लिख दिए दो उसमें लिख दिए द ब्रॉन्ज द फ्लोरिश ब्रॉन्ज आर्ट इज वेरी फेमस दिस गिव्स अस द एबिसमल थिंकिंग वो हमें क्या देती है एबिसमल थिंकिंग देती है एंड गिव द एमिएबल करेक्टर एमिएबल 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 तो भैया फ्रेंडली ये डोकरा कास्ट में कुछ नहीं आ रहा एक क्या था ट्रिम्प ऑफ लेबर कई बार पूछ लीजिए क्या गया कई बार नहीं भी पूछते और यहाँ पे बात आती है तीसरे नंबर पे ट्रिम्प ऑफ लेबर यूनियन यहाँ पर एक वो होता है कपड़ा उस कपड़े को बड़ी जबरदस्त तरीके से हर कोई निचोड़ रहा है और निचोड़ने का कारण ये है वो दिखाते हैं अपनी पावर को काम करने के लिए लेबर का पर इधर नहीं बताना चाहते वो ये बताना चाहते हैं हमें क्या करनी है हमें मेहनत करनी सीखनी है भाई भाई आज तुझे सब कुछ चीज ढंग से मिल रही है आने वाले 40-50 साल बाद गाजियाबाद में पानी नहीं होगा गाजियाबाद सूख चुका होगा ये बने बनाए घर छोड़ के हम जाएंगे उन पहाड़ों की तरफ जहाँ से हमें कुछ खाने पीने को मिल जाए पानी नहीं मिलेगा इंसान को पीने के लिए हकीकत है और यही से क्यामत का रोज शुरू होगा इंसान पानी के लिए बेसिक जरूरतों के लिए भी लड़ेगा उस समय भैया तू यही काम करेगा अपनी बंदूकें निकालेगा कि कहाँ पानी पहले पानी हम पियेंगे पानी जाट को मिलना चाहिए पहले समझ गया वहाँ तेरी हुक्का और खाट दोनों छुट जाएगी वहाँ तुझे बंदूक दिखाई देगी और पानी दिखाई देगा दिन आने वाले हैं ऐसी बात नहीं है बहुत पानी वेस्ट कर रहे हैं उनमें बजाना पहले जो वेस्ट कर रहे हैं तो उनमें बजाने के लिए तो सबसे पहले शुरुआत अपने से की जाती है बाकी में अपने खींचे ठीक है भैया फिफ्थ चैप्टर में केवल यही था मैंने आपको पढ़ा दिया है फिफ्थ